नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चारू की मम्मी के हाथ में कैमरा। तो आज दोस्तों हम लोग घर पे ही थे, आज कोई काम नहीं था। तो हमारे एक साथी हैं, बहुत समय से हम सोच रहे थे, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई समझ लीजिए, वो पड़ोस में ही रहते हैं यहाँ, और उनका कॉटेज बन चुका है पहले ही हमसे, सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। तो आज आ रहे हैं वो हमारे, हमने बुलाया उनको, उनके लिए लंच की तैयारी चल रही है। सिंपल सा लंच है पहाड़ में, गांव में। तो बताओ अभी और क्या तैयारी कर रही हो? तो खाना तो बन ही रहा है। तो दोस्तों किचन में आ गया हूँ मैं, जैसे हमेशा की तरह आपको बताता हूँ। ये क्या अभी बताओ? ये चोखा टाइप है, पनीर आलू हरी मिर्च डाल के बनाया है। वाह, अच्छा। और ये दाल बन रही है, बन गई दाल। दाल तैयार है और ये निक्की आ रही है। हेलो निक्कू, कैसे हो? मेरे शॉर्ट बनाते हैं क्या? यस, शॉर्ट बनाएंगे। अंदर आओ, आओ इधर आओ, इधर देखो निक्कू, इधर देखो भाई, निक्कू भी आ गई है। निक्कू भी हेल्प कराती है माँ की खाने में, जब माँ खाना बनाती है। निक्कू ने आज क्या बनाया था? पराठा, परोठा और आलू की सब्जी। आलू की सब्जी बनाई थी है। और दिखाओ भाई क्या है कुकर में, इधर क्या बना रही हो? बनी है इधर ये चोखा टाइप, और ये रायता बन रहा है, और इधर बन रहा है रायता, ये सलाद कटाई। आज बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ ऐसे खाना बन रहा है जैसे शहर में खाना बनता है, बहुत समय बाद खाना बन रहा है। सिंपल ही बन रहा है वैसे तो। हाँ बंदन, वैसे तो हम लोग बहुत ही सिंपल खाते हैं, पर आज थोड़ा सा सलाद बन रही है, रायता बन रहा है। म्याऊ, ये म्याऊ हमारी, म्याऊ म्याऊ जो है खाना मांग रही है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, यहाँ गांव में रहते हैं, अच्छा लगता है। कई बार मिस भी करते हैं शहर को भी, देहरादून को भी, क्योंकि देहरादून भी हमारा घर है वहाँ, तो नौकरी की देहरादून में, तो देहरादून भी हम लोग जाएंगे अगले हफ्ते जब हमारा लेंटर का काम पूरा हो जाएगा। और आज मैं आपको मौसम का नज़ारा दिखाता हूँ। और दोस्तों आसमान में लगे हैं बादल, बारिश का भी बन सकता है, कल यहाँ बारिश हुई थी। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, दी नेचर फील होम स्टे का। आजकल खाद दिया जा रहा है, बुआई की तैयारी चल रही है मटर की, और ऊपर आप देख रहे हैं आसमान में बादल, वहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारी छोटी सी नदी, पानी की आवाज़, पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, अच्छा लगता है झरने की आवाज़। और ये हमारी कॉटेज, आजकल आड़ू के पत्ते सब पतझड़ हो गया है, तो एकदम सूखे हो गए हैं। और इधर भी चल रही है मटर लगाने की तैयारी, खाद दिया जा रहा है आजकल, ये कटिंग चल रही है आड़ू के, शाखाएं काटी जा रही हैं प्रॉपरली। तैयारी हो गई है खाने की। और आए जी मैं दो मिनट में, और निक्की की मम्मी अब लगा रही है, और निक्की खड़ी है पास में हमारे, और ये रायता तैयार हो गया है, तैयार हो गया है रायता। और भी निक्कू क्या हुआ? निक्कू क्या हुआ? बोलो। निक्कू हेल्प करा रही है खाना सर्व कराने में। दाल तैयार हो गई है। ये दाल नहीं है, वो दाल है, वो दाल है, दिखाना। और ये बना है कुछ चोखा टाइप का, आलू पनीर का करने की तैयारी। लो जी हो गए जी जी। तो दोस्तों हमारे पास आ गए हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे पड़ोसी भी हैं, भाई साहब हैं, और सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, योगेश भाटिया के नाम से है, उस चैनल को भी सपोर्ट करें, इनके भी बहुत अच्छे वीडियो होते हैं, और हम लोग तो इनके वीडियो हमेशा देखते रहते हैं। तो आज हमारे चूँकि पड़ोसी भी हैं, तो हमने सोचा भाई चलो पड़ोस में ही आ, बहुत दिन हो गए, मुलाकात भी हो जाएगी। इनविटेशन आज इनविटेशन आया सर का मॉर्निंग में के आज लंच हमारे साथ करो, तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे।
बकायदा करेंगे। नहीं शुरुआत की इन्होंने, हमने तो शुरुआत ही नहीं कर पाए। हाँ, इतने टाइम से बस जबकि घर है हमारे पास, हमने सोचा चलो बैठे। नहीं बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा। बस हम शुरुआत कर पाए एक कप चाय से। कई बार होके आगे भाई साहब के। और दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई साहब है इनका कॉटेज हमसे काफी पहले बन गया है और थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम है जो बाद में जरूरत इनको लगा तो करा रहे हैं। हमारा अभी काम ही चल रहा है, हम थोड़ा पिछड़ गए हैं, कोशिश कर रहे हैं। पिछड़ नहीं गए भैया, इधर लेबर प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा लेबर प्रॉब्लम है। इसी वजह से तो आप हम लोग भी अभी तीन महीना पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ तीन महीना पीछे रहने का मतलब है कि अगर लेबर नहीं मिलेगी तो यहाँ काम नहीं होगा। थोड़ा सा नहीं, ये तो है ही, पहाड़ में ले लो निकी, थोड़ा सा लिया हूँ, थोड़ा सा ले लो। बेटा अंदर ही बैठ जा बेटा, ठंड हो रहा है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। मैंने खुद इनकी हो रही थी, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, बहुत ठंड है जी, मैं तो अभी देखा है। तो दोस्तों फिर यहाँ बादल हो गए हैं, यही हम आपको दिखाते रहते हैं पहाड़ में, कभी धूप कभी छांव, कभी एकदम ठंडा हो जाता है और धूप इतनी तेज रहती है कि आप सोचिए मैं बैठा नहीं गया मेरे सभी रियल में, सुबह बैठा नहीं जा रहा था, बहुत धूप थी और एकदम आप ठंडा, अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बारिश आई है, और रात तो इतना काला बादल लगा हुआ था दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं रात को एक बार को घबरा गया, जिस हिसाब से बादल गड़गड़ाया कि फिर बारिश होगी, यहाँ बारिश बहुत जबरदस्त होगी तीन चार दिन, और हमारा जितना काम हुआ हुआ है उसमें सब का सब, हमारे असल में मटर बो दिए ना हमने। साथियों जैसे भाई साहब बता रहे थे, बारिश का सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि वास्तव में पहाड़ में डर ही लगता है बारिश से, चूंकि इतनी तेजी से पानी आता है, और आपके तो खेत अभी चूंकि मटर लगाई है तो और भी नुकसान हो सकता था, पर बारिश नहीं हुई फिर। हाँ, पर ये है कि हमारे 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 खेतों में मटर भी बो दी गई है, खेती मूली भी आ गई है, मूलियां भी आ गई है, प्याज बो दिया है, मेथी निकाल ली। ये कहते सुबह यार कुछ है ही नहीं, चल मूलियां ले जाते, मूली तो आई नहीं। तो दोस्तों लंच लग गया है, अब शुरू कर रहे हैं भाई साहब, मेहनत अच्छी बनी है, झूठ बोले कौवा काटे। तो दोस्तों आज बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने तैयारी की थी, बहुत ज्यादा तो नहीं बना पाए हैं, वो सिंपल खाना पहाड़ में जो है बट हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी आपके आने का जो है। थैंक यू दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको बताया था, हमारे यहाँ आए हमारे गेस्ट, हमारे बड़े भाई भी हैं और पड़ोसी भी, मित्र भी हैं। तो आज हमने इन लोगों को कष्ट दिया कि भाई आज हमारे लंच में आइएगा, तो लंच हो चुका है, अब चाय हो रही है। और बताइए भाई साहब कैसा लगा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर योर मेहमान नवाजी। पर आपने कष्ट क्यों बोला, हमें तो इतना मतलब ऐसे लगा कि इतना अपने में कष्ट दिया आप लोगों, इतने अपने पन में बुलाया आपने हमें कि हमें हमसे ना हुई नहीं। और खाना तो लाजवाब था, धन्यवाद जी, रियल में खाना। तो दोस्तों ये था आज हमारा छोटा सा वीडियो आपके लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हमारे मित्र और दोस्त भाभी जी भाई साहब आए यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे पड़ोसी भी हैं, हाँ, तो इसी तरह मिलना जुलना रहे तो अच्छा रहता है पहाड़ में, क्योंकि ये भी नोएडा दिल्ली से, हम भी देहरादून से। तो चलिए दोस्तों कुछ कहेंगे लास्ट में, तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।